पिछले भाग में आपने देखा कि सुमाली दशानन और उसके सैन्य दल को विजय अभियान के लिए विदा करता है। दशानन मातुल प्रहस्त को संदेश वाहक बनाकर भेजने की बात करता है। प्रहस्त संदेश लेकर जाता है। वज्रनाभ क्रोधित होकर प्रस्ताव अस्वीकार करता है। ये सुनकर दशानन क्रोधित होता है, किंतु शांत भाव से वज्रनाभ के सभा भवन में प्रवेश करता है। दशानन उसके गले लगता है और गले लगते ही उसका वध कर देता है। इधर त्रिजटा त्रिकला के पास जाती है और दशानन की प्रशंसा करती है। एकांत स्थल पर दशानन त्रिकला से टकराता है। आगे बढ़ने पर वो एक हाट में पहुंचता है जहां उसकी भेंट कनिका से होती है। सरोवर के किनारे कनिका अपनी व्यथा दशानन से कहती है और दशानन क्रोध में अत्याचारी से प्रतिशोध लेने की बात करता है। अब आगे मातुल। राष्ट्रपति, बहुत देर से हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने सोचा था आज हम किसी दूसरे अभियान के लिए प्रस्थान करेंगे, किंतु कदाचित आप तो किसी अन्य अभियान में ही लगे हुए हैं। आपका अभिप्राय क्या है? लक्ष्य, केवल और केवल लक्ष्य, केवल रक्ष संस्कृति। हम भी तो यही कहना चाहते हैं। रक्ष संस्कृति में हम जो कर रहे हैं वो या तो समय की मांग है या संबंधों की। रक्ष संस्कृति एक मन की पुकार है। ये अर्थ कदापि नहीं कि हमें अपने लक्ष्यों का ज्ञान नहीं है। तो फिर हम यहाँ से कब प्रस्थान कर रहे हैं? प्रस्थान का समय आ चुका है, परंतु उसके पूर्व हमें एक छोटा सा अभियान पूरा करना है। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है मातुल, ये हमारी दुर्बलता नहीं है, उससे सहानुभूति है हमें। कैसी सहानुभूति? उसके जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं। उसकी हथेली में तो यही लिखा है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये सच कैसे होता है। ठीक, किंतु इस अभियान में आप अकेले ही जाएंगे या? मातुल अकंपन हमारे साथ चलेंगे। ठीक, अब जाए। जिसे बांधना था उसे तो मैंने अपने हृदय की डोर से बांध कर रखा है, और अब ये गांठ जन्मों जन्मों तक नहीं छूटेगी। कौन है वो? वो थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा बावला है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत बोलता है। पर पर क्या?
पर मेरे सामने तो उसका मुंह ही नहीं खुलता। बिल्कुल बुद्धू है, पागलों की भांति घूरता है वो मुझे। वो देखो कैसे घूर रहा है, पर जैसा भी है वो मेरा है, वो मेरा जीवन है, मेरा सर्वस्व है वो। सच? अभी बताती हूँ, रुक रुक, अरे भागते कहाँ है, रुक, अरे अभी बताती हूँ। यही रुकना है मातुल, परंतु यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्रतीक्षा किसकी, रक्षपति किसकी? एक कन्या की। ओ, तो वो यहाँ तक आ गई। किसकी बात कर रहे हैं मातुल, आपने तो उसे देखा तक नहीं। अभिप्राय तो ये है कि ये कोई और है। समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा मातुल। पता तो चल ही जाएगा, पर तुम ये सब क्या कर रहे हो? हमने जिस दशानंद के साथ विजय यात्रा प्रारंभ की थी वो कन्याओं से दूर था, उसका लक्ष्य स्पष्ट था। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है मातुल, स्पष्ट था और स्पष्ट ही रहेगा। रक्षपति आप भावुक हो रहे हैं। पर मैं सच कह रहा हूँ मातुल, उस कन्या की हथेली देखी है मैंने, उसकी हथेली में उसकी मृत्यु लिखी है। अब ऐसी कन्या की एक छोटी सी इच्छा यदि मैं पूर्ण ना करूं, अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो क्या मैं उसे ना मिलूं? परंतु वो आई क्यों नहीं? यही तो चिंता की बात है मातुल, उसने जो समय दिया था वो तो बीत चुका है, फिर वो आई क्यों नहीं? चलो आगे देखते हैं। चलिए। मातुल यहाँ तो संभवतः कोई युद्ध हुआ है। वो देखो वहां रक्त भी नहीं सूखा अभी तक। हाँ मातुल, परंतु ये सब किया किसने? मातुल जिसने भी ये दुष्कृत किया है मैं उसका विनाश कर दूंगा। मातुल समाप्त कर दूंगा उसे, उत्तेजित सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वहां देखो, इसकी सांसें अभी तक चल रही है।
छोड़ दो मुझे। डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। किसने किया ये सब बताओ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, बोलो। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बताओ किसने किया ये सब। तानव थे, मकराक्ष के सैनिक दानवराज। मकराक्ष के कहने पर उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। धन, वस्त्र, अन्न, सब कुछ। और मेरी मेरी बहन कनिका को अंधी बना ले गए। मेरा अनुमान सत्य हुआ, कनिका उनकी बंदी है। चलो मातुल, देखते हैं उसे। हाँ राष्ट्रपति। मातुल, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पुर को ध्वस्त करके लूट लिया था, और कनिका को भी इन्हीं लोगों ने बंदी बनाया है। ओ, तो ये है मकराक्ष की सेना। मातुल, आप शिविर की ओर प्रस्थान कीजिए, इन लोगों के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। परंतु रक्षपति। मातुल, आप चिंता मत कीजिए, जाइए और सारे मातुलों को लेकर श्याम द्वीप पहुंच जाइए। जाइए मातुल। परंतु रक्षपति, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मातुल, आप भूल रहे हैं पर ब्रह्म का दिया हुआ वो वरदान। दशानन अमर है, अमर है दशानन, अमर है दशानन। आप कोई चिंता मत कीजिए और जाइए मातुल। कनिका कहाँ है? उसे भी यहीं कहीं होना चाहिए। दानवराज मकराक्ष की जय! दानवराज मकराक्ष की जय! दानवेंद्र मकराक्ष की जय! दानवेंद्र मकराक्ष की जय! चुप कर! कौन है तू?
और यहाँ घूम घूम के क्या देख रहा है? देख रहा हूँ दानवेंद्र मखराक्ष का अपनी प्रजा के लिए प्रेम, देख रहा हूँ एक राजा का राजधर्म, और देख रहा हूँ। अरे चुप कर, नहीं तो तू भी ऐसे ही प्रेम का पात्र बन जाएगा। मैं तो प्रेम का पात्र बाद में बनूंगा, पहले ये बता इन सबको कहाँ ले जा रहा है। इन्हें ले जा रहा हूँ दानवराज मकराक्ष की सेवा में, जल देवता को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। परंतु तुमने तो कई और लोगों को भी बंदी बनाया था, वो सब लोग कहाँ हैं? वो सब वहाँ नाव में बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इन्हें भी हम वहीं ले जा रहे हैं। मेरा अनुमान सत्य हुआ, कनिका उनकी बंदी है। ठहरो, तुम इन लोगों को कहीं नहीं ले जाओगे। तू बचाएगा इन्हें? हाँ, मैं बचाऊंगा इन्हें। पकड़ो इसे, बंदी बना लो इसे। मुझे भी बंदी बनाना चाहते हो? हाँ। क्या मुझे भी जल देवता की बलि चढ़ाई जाएगी? हाँ। क्या मुझे भी वही नाव में ले जाओगे जहाँ सारे बंदियों को बांधा है? हाँ हाँ, तुझे भी उसी नाव में ले जाऊंगा। कनिका को बचाने का यही एक उपाय है, मुझे अपने आप को बंदी बनाना होगा। रक्षपति दशानन धर्म अर्थ काम मोक्ष दश ग्रीव दशानन। ले चलो इसे भी उसी नाव में। दानवराज मकराक्ष की, 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 दानवराज मकराक्ष की। देखो इसे क्या हुआ?
भ्रमण कर रही है, देखो। Thank you.
अरे लगता है इसकी मूछा टूट गई। चलो ले चलो इसको। अब किस क्षेत्र में है? चलो सब पता चल जाएगा। चलो दानवराज मकराक्ष की सेवा में। चलो 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 बंदी। मकराक्ष तेरा काल निकट आ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है पिता, मैं उसके प्राण बचाना चाहती हूँ। मकराक्ष के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया है। परंतु वो है कौन? ठीक है, हम उसे बचाएंगे, किंतु उसके पूर्व हमें उसके परिजनों को अपने साथ लेके चलना होगा, क्योंकि उसके परिजनों की शक्ति और हमारी शक्ति मिलाकर ही हम दानवराज मकराक्ष का सामना कर सकते हैं। अकेले न वो कर सकते हैं न ही हम। आओ हमारे साथ चलो। प्रसन्न हो जल देवता, 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 प्रसन्न हो, प्रसन्न हो जल देवता। We'll be right back.
प्रसन्न हो, प्रसन्न हो जल देवता, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो जल देवता, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो जल देवता, प्रसन्न हो। प्रसन्न हो जलदेव, लेके आओ दशानन को बलि के लिए। मातुल पहुंचते ही होंगे, तब तक मैं इन्हें रोक कर रखता हूं। ठहरो, दानवेंद्र मकराक्ष, बलि के पूर्व मेरा एक निवेदन है, और ये निवेदन धर्म के अनुकूल है। क्या है बोल, किंतु शीघ्र कर, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। दानवेंद्र मकराक्ष, मैं एक ऋषि पुत्र हूं, बलि के पूर्व मैं वेद पाठ करना चाहता हूं, आप चाहें तो चरक से पूछ लें। विश्रवा पुत्र उचित ही कहता दानवेंद्र, शीघ्र इसे यज्ञ वेदी पर बैठने की अनुमति दीजिए। ठीक है, कर ले अपना वेद पाठ, किंतु शीघ्र कर। तुम्हारा वेद पाठ बंद करो, अपना वेद पाठ ले जाओ इसे बलि की वेदी पर। उसकी प्राप्ति के लिए मुझे इस विश्व में कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। दशानन, तेरी खड़ग तुझे मोक्ष प्रदान करे।
पकड़ो उसे। Yeah!
रक्षपति दशानन की जय। महाशक्ति दशानन की जय। रक्षपति दशानन की जय। मां योद्धा है रे तू, अद्भुत अद्भुत, तेरी वीरता और योग्यता को मैं दानव नमस्कार करता है। परंतु तू है कौन? मेरा संबंध दानव कुल से है, मैं मकराक्ष की प्रजा हूँ। तो फिर तू उसके विरोध में क्यों, और तू मुझे क्यों बचाना चाहता है? अपनी बेटी के लिए। कौन है तेरी बेटी? मंदोदरी। कहाँ है वो? वो रही है। आश्चर्य हो रहा है मुझे तुझे इस रूप में देखकर। क्यों, तू यहाँ तक पहुँच गई? और तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे पता कैसे नहीं चलता, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच जाओगे? भूल जाओ कि तुम मुझसे बच जाओगे। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वह वह मैं आऊंगी। किंतु परंतु छोड़ो, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अनावश्यक तर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। याद करो तुमने मुझसे क्या कहा था और मैंने तुमसे क्या कहा था। प्रतीक्षा करो, समय आने पर तुम्हें मेरा परिचय स्वतः मिल जाएगा। तुम ही बता दो कि मैंने क्या कहा था। मैं तुम्हें वो बताती हूँ जो मैंने तुमसे कहा था। एक दिन समय आने पर स्वतः तुम्हें मेरा परिचय मिल जाएगा। क्यों, मिल गया ना? और अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये पूरा भूमंडल मुझे भी जानेगा। यदि तुम लोग अपनी बातें बंद करो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, शीघ्र बताओ। तुम मेरे महल चलो, वहाँ पहुँचने के पश्चात तुम स्वयं जान जाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है मातुल, आप सब शिविर की ओर प्रस्थान करें और उसके पूर्व कनिका के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए। उसने रक्षपति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उसे हम सदा स्मरण करेंगे।